एक्सेसबल इंडिया कैम्पेन आई लाइक टू बिगिन बाय सेंग दैट द हैश टैग एक्स आस्क ऑन एक्सेसबल इंडिया इज़ ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एंड जिससे हमें पता चलता है कि ये कितना लोगों के करीब है और कितना लोग इस मुद्दे से जुड़ना चाहते हैं uh, हमारे साथ स्टूडियो में आज uh, uh, श्री थावरतन गहलोत जी हैं मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड श्री लव वर्मा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपावरमेंट इससे पहले कि हम ट्विटर के क्वेश्चन ले मैं श्री थावरचंद गहलोत जी इससे रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ uh, शब्द वो एक्सेसबल इंडिया कैम्पेन के बारे में बोलें देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया और देश के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग को ये निर्देश दिया कि आवागमन की दृष्टि से और सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से उनको सुगमता प्रदान करने के लिए सुगम्य भारत योजना प्रारंभ की जाए एक्सेसिबल इंडिया योजना प्रारंभ की जाए और तीन दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के हाथों ही ये सुगम्य भारत योजना एक्सेसिबल इंडिया लॉन्च की गई इस योजना में हमारा प्रयास है कि विकलांगजनों को चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं जाते हैं आते हैं उनको आने जाने की सुविधा अर्थात सुगम्यता मिले हमने योजना बनाई है उस योजना में हमने तय किया है कि हम देश के 48 महानगरों में और प्रत्येक में 100 सौ सार्वजनिक उपयोग की बहुमंजिली बिल्डिंग का चयन करेंगे और उसमें लिफ्ट की सुविधा रैंप की सुविधा आधुनिकतम शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध हो जाए इसके साथ ही साथ बस स्टैंड पर बसों में चढ़ने के लिए उतरने के लिए फिर एयरपोर्ट पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी जो सुनते नहीं हैं बोलते नहीं हैं या ब्लाइंड है उनको ये सारी सुगमता की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इसके लिए हमने योजना बनाई है हम अगले दो वर्षों के अंदर अंदर जो योजना मैंने बताई है कि 48 महानगरों में प्रत्येक में सौ सौ भवनों को ये सुविधा उपलब्ध करा देंगे इसके बाद सार्वजनिक बस स्टैंड रेलवे स्टेशन हवाई अड्डा आदि में ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे और दूसरे चरण में अर्थात दो साल बाद हम प्रयास करेंगे कि जिला मुख्यालय पर भी और फिर उसके बाद तहसील मुख्यालय पर भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि उनको अन्य सामान्य नागरिक की बराबरी पर पहुंचने के लिए सु अवसर प्राप्त हो जाए एज अ डिसेबल पर्सन सर मैं ये कह सकती हूँ कि इस अभियान से कितना हम लोगों को आशा है और हम होप करते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा तो इससे मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ मोनिका भाटिया जी ने लिखा है हाउ विल एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन फर्दर एम्पावर स्पेशली एबल पीपल एंड वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑन इकोनमी वो कहने की आ, पूछ रही हैं कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कैसे एम्पावर करेगा डिसेबल लोगों को और कैसे उनकी एम्प्लॉयमेंट एम्पावेंट इम्प्रूव होगी एक्सेसिबिलिटी होने से अपने देश में लंबे समय से विकलांगजन सशक्तिकरण की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराने की मांग होती रही है आती रही है उन सब बातों को ध्यान में रख कर के हमने ये कार्य योजना बनाई है हम इस बात को जानते हैं कि अगर विकलांग जनों को सामान्य वर्ग के लोगों की भांति अपने विकास के लिए अगर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी तो वो विकास नहीं कर पाएंगे वो पिछड़े बने रहेंगे शारीरिक मानसिक बौद्धिक आर्थिक दृष्टि से वो कमज़ोर रहेंगे और उनकी कमजोरी को दूर करके उनको सामान्य नागरिकों की बराबरी पर लाने की दृष्टि से ये योजना बनाई है और मैं ये सोचता हूँ कि लंबे समय से इस प्रकार की मांग होती रही है उनकी मांग को ध्यान में रख कर के ये सुविधाएं उपलब्ध कराई है और जब ये सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से उनका तेज गति से विकास होगा इसी उद्देश्य को लेकर के ये, ये योजना बनाई है योजनाओं का स्वरूप मैंने बताया है हर वर्ग के लोगों के लिए इस योजना के माध्यम से हम उनको लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिलेगी ये मेरी उम्मीद है बिल्कुल सफलता जरूर मिलेगी हम सब इसके साथ जुड़े हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी अगला क्वेश्चन है फरीदा से वो पूछती हैं इस एनी इनिशिएटिव टू प्रोवाइड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स इन इंडिया येस देर इज हम लोग ने एक सेंटर फॉर डिसबिलिटी स्पोर्ट्स करके एक नई स्कीम ली है और देश में तीन जगह हम लोग ने सोचा है कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ किस तरह की होनी चाहिए एक पंजाब में है और एक मध्य प्रदेश एक साउथ में अभी हम लोग तय करेंगे साउथ में विशाखा विशाखापटनम है जी और वहाँ पे हम लोग जो बाहर हम लोगों के डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर्स बने हैं उनको जाके देख के और वहाँ से बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके और उसी तरह हम लोग अपने यहाँ भी बनाएंगे जिससे कि जो हमारे डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी जो विशेष नीड्स हैं उनको हम पूरा कर सकें इसमें थोड़ा समय लगेगा साल दो साल लग सकते हैं ये जो तीन स्पोर्ट्स सेंटर की बात कर रहे हैं ये नेशनल लेवल के होंगे hmm. और राज्य सरकारों से हमने आग्रह किया कि वो जमीन उपलब्ध करा दे पंजाब सरकार ने हमको जमीन उपलब्ध कराई है मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई है आंध्र प्रदेश की सरकार ने विशाखापट्टनम में जमीन उपलब्ध कराई है डीपीआर तैयार हो रहा है और हम विश्वास करते हैं कि अप्रैल मई तक हम इस योजना का शुभारंभ कर देंगे और निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे चलो दैट्स वेरी गुड टू नो सर अगला क्वेश्चन मैं बोलना चाहूँगी चांदनी uh, का है अगला क्वेश्चन वो लिखती हैं पास द डिसेबिलिटी बिल 2014, सो डिसेबल कैन गेट मोर बेनिफिट वो आ, आपके व्यूज़ इस बारे में पूछना चाहती हैं कि डिसेबिलिटी बिल जैसे जल्द की जल्द पास हो और डिसेबल लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिले हमने जो वर्तमान कानून है एक्ट है उसमें सुधार करने के लिए प्रारूप तैयार कर लिया है कैबिनेट के लिए वो सर्कुलेट हो गया है उस पर विचार विमर्श जारी है हमने जो प्रारूप तैयार किया है उसमें वर्तमान में जो सात विकलांगता की परिभाषाएं हैं सेवन वो उन्नीस होने जा रही हैं इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का विकलांग अब विकलांग जन सशक्तिकरण की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र हो जाएगा बिल का प्रारूप तैयार करके हमने बताया कि कैबिनेट के लिए भेजा है उस पर विचार विमर्श जारी है उम्मीद है कि हम इस माह के अंत तक प्रारूप को अंतिम रूप दे करके संसद में आगामी बजट सत्र में उसको पास कराने की दृष्टि से सबमिट करेंगे और विश्वास करते हैं कि बजट सत्र में ये बिल पास होगा दैट वुड बी वेरी नाइस सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी नरेश जी ने पूछा है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन डज इट कवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल्सो लाइक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली उसमें जो निर्मित वातावरण है जिसको हम डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने जा रहे हैं उसकी लिस्ट जो है जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि सौ सौ बिल्डिंग्स की लिस्ट वो स्टेट गवर्नमेंट्स पर हमने छोड़ दिया है और हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जहाँ ज़्यादा फुटफॉल्स हैं उनको पहले चरण में उनको आइडेंटिफाई करें और उनको हम लोग डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाएं हुँ. तो उसमें अगर यूनिवर्सिटी स्कूल्स कॉलेज दे हैव टू बी पब्लिक बिल्डिंग्स अभी हम प्राइवेट बिल्डिंग्स नहीं ले रहे हैं पर पब्लिक बिल्डिंग्स को अगर आइडेंटिफाई किया जाता है तो उनमें रैम्प टॉयलेट्स लिफ्ट ये सब देने के लिए हमारी एक स्पेशल स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट्स पहले एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करेंगे एक्सेसबिलिटी hmm. ऑडिट से पता चलेगा कि इन जो ये जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं इनमें क्या क्या कमियाँ हैं क्या क्या खामियाँ हैं और उसके बेसिस पर वो लोग प्लान बनाएंगे प्लान में वो बताएंगे कितना उनको फ़ंड्स की ज़रूरत है एंड लुकिंग एट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स उसके बाद हम लोग सिबडा स्कीम में देंगे तो ये इंक्लूड हो सकते हैं इसके साथ ही साथ हमने शैक्षणिक क्षेत्र में सुगम्यता की दृष्टि से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने का निर्णय 2014-15 में ही दिया इसके पहले विकलांग जन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी पिछले साल से ही ये शुरू किया है और वो प्रारंभ हो गई है और उसका लाभ मिलने भी लगा है शैक्षणिक दृष्टि से अगर कोई विशेष डिग्री हासिल करने वाली पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको भी हम आर्थिक सहयोग देने का निर्णय ले चुके हैं अगर विदेश में जाकर कोई पढ़ता है तो आज वो स्कीम है नहीं परंतु हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि विदेश में जाकर पढ़ने वालों को भी आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराएंगे ताकि बाकी सुविधाओं के साथ साथ सुगमता के साथ शैक्षणिक क्षेत्र में भी वो तेज़ गति से सुगमता से आगे बढ़ सके करेक्ट सर uh, अगला क्वेश्चन है कपिल गाड़े से वो पूछते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इज रिफ्रेजिंग द टर्म विकलांग टू दिव्यांग फॉर द सक्सेस ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन दिव्यांग का नाम आदिकाल से हमारे शास्त्रों में सामने आया है परंतु वर्तमान में जो विकलांग जन नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संयुक्त राष्ट्र महासंघ में 2007 में विचार विमर्श के बाद तय हुआ है अर्थात सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विश्व के अन्य देशों में आज की तारीख में इसका नामकरण विकलांगजन है परंतु प्रधानमंत्री जी ने 3 दिसंबर को जब एक्सेसिबल इंडिया योजना का प्रारंभ किया था उसमें उन्होंने एक सुझाव दिया कि इस विकलांग जन की बजाय दिव्यांग नाम देना चाहिए दिव्यांग का अर्थ है प्रतिभावान अंग भगवान के द्वारा दिया हुआ अंग या दे अंग है ना उसकी महत्ता को प्रतिपादित करने वाला है वो और सम्मानजनक शब्द है अब इस पर हमने विकलांग जनों से संग, संबंधित संगठन है एसोसिएशंस हैं भिन्न भिन्न प्रकार के रजिस्टर्ड संगठन हैं उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक करने का निर्णय लिया है कार्रवाई प्रारंभ कर दी है विचार विमर्श में हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी की यह इच्छा है अगर सहमति बनेगी तो हम प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे नहीं भी बनेगी तो क्या कठिनाई आ रही ये भी बनाएंगे बताएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो प्रधानमंत्री जी से उनकी बातचीत करवा करके इसका कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे सर mm -hmm. uh, आपसे पूछूंगी अगला क्वेश्चन है हरीश चाओ से वो पूछते हैं वाई ओनली ट्वेंटी ट्रांसपोर्ट कैरियर्स विल बी मेड एक्सेसिबल व्हाट अबाउट द रिमेनिंग हम लोग का जो उद्देश्य है वो तो ये है कि फेजेस में क्योंकि इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इट हैज़ टू बी डन इन फेजेज़ ये नहीं हो सकता कि ओवरनाइट सब हमारे पब्लिक कैरियर्स एक्सेसिबल बन जाएं एक तो उसमें बहुत सारा फंडिंग की ज़रूरत होगी सेकेंडली टेक्निकल कैपेबिलिटी की भी ज़रूरत होगी कि लो फ्लॉ बसेज तो जैसे हम लोग तो स्टेट्स को लिखेंगे इट्स बेसिकली अटेट सब्जेक्ट स्टेट्स को लिखेंगे कि, कि आगे जो आप बसेज जैसे आप ख़रीदें तो उनको आप लो फ्लॉ बसेज ही लीजिए जिससे कि विकलांगजन को भी आसानी हो तो 25 परसेंट हमने फर्स्ट फेज में लिया है दिस इज अ वेरी लॉन्ग कैंपेन ऑन गोइंग कैंपेन और बाकी को हम लोग आ, अगले फेजेस में लेंगे तो फिर आप प्रोक्योरमेंट को भी हाँ आ, we, देखेंगे we कि? That, हमारे हाथ में नहीं है यही हम कहना चाह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है तो हम लोग स्टेट को लिख के उनसे उम्मीद करेंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे की जो उनकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो इस तरह बनाएं कि लो फो फ्लॉ बसेज ही खरीदें सर अगला क्वेश्चन है स्प्रेड uh, स्माइल से वो पूछते हैं हाउ एक्सेस ऑडिट्स बी डन एट पब्लिक प्लेसेस बाय बाई कि वियर्स एक्सेस ऑडिट्स कैसे करेंगे पब्लिक uh, प्लेसेस के वैसे हम इस योजना के माध्यम से जागरूकता निर्माण करने का भी काम करेंगे जागरूकता के लिए सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का अमला भी होगा पैरामिलिट्री फोर्स भी होगी और राज्यों की पुलिस आदि जो इस व्यवस्था में सहयोग करती है उन सबका सहयोग लेने का काम करेंगे आवश्यकता पड़ने पर कुछ स्थानों पर वॉल्टियर्स बना करके जैसे बस स्टैंड है अन्य अन्य प्रकार के रेलवे स्टेशन है वहाँ सुगम्य भारत योजना की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से उनको पहले प्रशिक्षित करेंगे और फिर बाद में व्यवस्था ऐसी करेंगे कि वो उनको इस योजना से लाभान्वित करने का प्रयास करें सहयोग करें वॉल्टियर्स so, uh, को ट्रेन करके आगे।, आगे।, आगे वो एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ जो माननीय मंत्री जी ने कहा उसके अलावा एक हमने ऐप भी चलाया है और वो तीन दिसंबर को माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको लॉन्च भी किया है जिसके तहत लोग हम लोग को बता सकते हैं वो खुद ही बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग में ये ये कमी है जैसे अगर रैंप नहीं है या टॉयलेट जो है वो एक्सेसिबल नहीं है विकलांगों को तो वो हमें बता सकते हैं उसके बारे में पहले हम पब्लिक में काफ़ी एक मैस कंप्न करके बताएंगे किस तरह वो ऐप यूज़ करें तो उससे भागीदारी होगी पब्लिक की भी एक तरह से वॉल्टियर्स हमें बता सकते हैं कहाँ कहाँ कमी सो वॉल्टियरिज्म इज मोर कि उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए कैंपेन की नॉट रियली फॉर दैट वी आर गोइंग टू डू मास कैंपेन सो दैट द पब्लिक इज अवेयर ये किस तरह से ऐप डाउनलोड करके कैसे यूज hmm. करते हैं वी आर वर्किंग ऑन दैट अगला क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूँगी वो है थंडन uh, बाबू नायक से वो पूछते हैं हाउ अबाउट मेकिंग टूरिस्ट प्लेसेस एक्सेसिबल टूरिस्ट प्लेसेस लाइक टूरिज्म को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए इस कैंपेन के अंडर जैसा मैंने बताया कि हमने एक्सेसिबल इंडिया की योजना प्रारंभ की है तो प्रथम चरण में क्या होगा दूसरे में क्या होगा तीसरे में क्या होगा फिर मैंने बताया कि हम जिला मुख्यालय पर भी इस प्रकार की कार्य योजना प्रारंभ करेंगे तो उसके साथ ही साथ हम टूरिस्ट प्लेस को भी हुँ. उसमें सिलेक्ट करेंगे राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और जो टूरिस्ट प्लेस जिन जिन राज्यों में है उनके साथ समन्वय करके वहाँ भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास प्रारंभ करेंगे अब अभी अभी योजना प्रारंभ हुई है तीन दिसंबर से तो मैंने बताया कि हमने दो साल में अड़तालीस महानगरों को जहाँ आवागमन अधिक होता है और पब्लिक उपयोग की भवन है सार्वजनिक उपयोग के काम होते हैं वहाँ कोर्ट होती है कलेक्टरेट होता है हॉस्पिटल्स होते हैं स्कूल होते हैं ये सब तो इसके बाद में हम उनका भी चयन करेंगे तो इट्स लाइक प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा एक्सेसिबिलिटी हर एक एरिया में yeah. uh, इसके अलावा जो हम लोग की मेन मॉन्यूमेंट्स हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी एक अलग योजना है वो भी इनको एक्सेसिबल बनाता है जैसे mm -hmm. हम लोग के ताजमहल मीनार और जो मेन मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इनमें ज़्यादा फुटफॉल uh, होती है तो आर्कोलॉजिकल सर्वे भी हमारी मदद करता है आई थिंक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहा है काफ़ी सालों से इसको लेके बट टूरिज्म में मेरे ख्याल से और भी आ जाते हैं लाइक होटल्स एंड मैनी अदर एरियाज आल्सो कम बट प्रोग्रेसिवली प्लान्ड है कि हर एरिया में एक्सेसिबिलिटी लाइट जाए जैसे टूरिस्ट प्लेस में ये जो 48 महानगर में हमने योजना को लागू करने का निर्णय लिया तो वहाँ भी तो कुछ टूरिस्ट प्लेस होंगे ना no. तो कुल मिलाकर के वहाँ ये सुविधा होगी पर टूरिस्ट प्लेस पर जाने आने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना तो उसमें ये भी इंक्लूड हो सकता है और होगा करेक्ट Uh, अगला क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी एस आनंद लिखते हैं व्हाट अबाउट रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड द स्ट्रक्चर वो इस वक्त ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर पर्सन विद डिसबलिटीज़ टू यूज़ बेसिकली रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड स्पेशली जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफार्म जाना हो स्पेशली फॉर व्हील चेयर यूजर्स इस वक्त हमारे को ट्रैक्स के ऊपर जाना पड़ता है बिच इज़ वेरी डेंजरस तो उसके लिए क्या प्लान्स हैं मैंने बताया कार्य योजना का हिस्सा है रेलवे स्टेशन हवाई अड्डा भी है बस स्टैंड भी है हम एक्सीटर के माध्यम से उनको एक दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं लिफ्ट के माध्यम से कराना चाहते हैं रैंप के माध्यम से और साइड में रेलिंग लगा करके ये सारी सुविधा हम जो दे रहे हैं वो रेलवे स्टेशन पर भी देंगे हवाई अड्डे पर भी देंगे जैसे इंडिगो एयरलाइंस है उसमें रैंप वाली सीढ़ियाँ हैं बाकी में नहीं है अगर कोई विकलांग है और चलने फिरने की स्थिति में नहीं है तो चार लोग उसको उठा के ले जाते हैं वो स्थिति ठीक नहीं है उसको देख करके हम एयरलाइंस के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि वो जैसे इंडिगो ने रैंप नुमा सीढ़ी बना रखी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएँ या कोई लिफ्ट सिस्टम से करें ताकि वो सीधे वहाँ तक पहुँच जाए और उसको प्रताड़ित नहीं होना पड़े ऐसा नहीं लगे कि मेरे को चार लोग उठा के ले जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं क्या है तो ये सारी सुविधा रेलवे स्टेशन पर देने वाले हैं और एयरपोर्ट पर भी और बस स्टैंड पर भी सर so, थोड़ा सा अगर और विस्तार में बात की जाए तो रेलवे विभाग ने ये जो रेलवे स्टेशन हैं इनको विभिन्न श्रेणियों में रखा है ए प्लस ए बी इस तरह से तो ए प्लस ए बी जो हैं वो करीब फाइव सेवेंटी फाइव हैं पूरे जो नंबर हैं वहाँ सेवन फिफ्टी स्टेशन हैं ये सेवनटी फाइव मेन हैं जिसमें ज़्यादा फुटफॉल होती है mm -hmm. इनको पहले चरण में डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा और वो हम लोग मई ट्वेंटी सिक्सटीन तक करने के लिए हम वो राज़ी हो गए हैं और बाकी को मे ट्वेंटी तक वो डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाएंगे तो हमारी उनके साथ हम ये चर्चा चल रही है और वो भी हमारे साथ इसको डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए तैयार हो गए हैं तो हम सोच सकते हैं कि मे 2016 तक 75 स्टेशंस में एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म yes. hmm, yes. uh, so, uh, uh, से उस प्लेटफॉर्म जाने के लिए एलिवेटर्स का प्रावधान या रैम्स का प्रावधान होगा मतलब नॉट दैट ट्रैक्स के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा लोगों को सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मयंक सिंह वो पूछते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कैंपेन ज्वाइन करने के लिए हम देशवासियों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि विकलांग जन भी मानव संसाधन का अभिन्न अंग है उन्होंने जन्म लिया है तो उनको जीने का हक है और जीने का हक देने के लिए वो सारी सुविधाएं जो आम नागरिक को मिलती है उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उनको सुअवसर देना ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है हमारा धर्म संस्कृति भी इस बात को कहती है कि हमारा अपना कर्तव्य है कि इस प्रकार के लोग अगर कहीं है तो हम उनकी मदद करें तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि भारत सरकार की ये योजना है परंतु भारत सरकार की योजना या राज्य सरकार की योजना से ही सब कुछ संभव नहीं है उसमें जनभागीदारी भी आवश्यक है इसलिए देश की जनता देश के नागरिक इस कार्य योजना में सहयोग दें इसके अलावा भी वो अपने लोकल लेवल पर भी इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी लोगों को जुड़ना है इस कैंपेन के साथ उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सर uh, मेरा अगला क्वेश्चन है मिस्टर अमित सेमवाल पूछते हैं व्हाई नॉट सब्सिडीज़ फॉर व्हीलचेयर्स? मतलब व्हीलचेयर्स के लिए सब्सिडीज़ क्यों ना मिले? वैसे हम व्हील चेयर अभी देते हैं मुफ्त में दे रहे हैं वो सब्सिडी की बात कर रहे हैं पर मुफ्त में दे रहे हैं जो 80 परसेंट से ज़्यादा विकलांग है जो खड़े नहीं हो सकते हैं चल नहीं सकते हैं घुटने के बल या हाथ के बल पर चलते हैं 80 परसेंट से ज़्यादा विकलांग है उनको हम मोटर से चलने वाली मोटराइज ट्राईसाइकिल उसमें फ्यूल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक से चार्ज हो जाएगी ऐसी मोटराइज ट्राईसाइकल हमारे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम को है कानपुर में उसमें बनाते हैं सैंतीस हज़ार में वो बन रही है अभी हम पच्चीस हज़ार सब्सिडी दे रहे हैं और बारह हज़ार कोई स्पॉन्सर्स मिल जाए एमपी फंड से एमएलए फंड से या किसी दानदाता से सहयोग लेकर के उपलब्ध करा रहे हैं और अभी तक इस साल हमने ये भी स्कीम हमने नई प्रारंभ की है एक हज़ार का लक्ष्य तय किया था और मैं खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि ये एक हज़ार का लक्ष्य हमने लगभग पूरा कर लिया है और उनके साथ ही साथ उनको हम विकलांग वित्त विकास निगम से आर्थिक सहायता भी देते हैं बीस हजार पच्चीस हजार पचास हज़ार दे दिया और उनको कहा कि आप पेपर बांटने वाली एजेंसी से बात कर लो तो कुछ लोगों ने पेपर बांटना चालू कर दिया दूध के पाउच सुबह सुबह लेकर के घरों में जाके बेचने लग गए इसी प्रकार के कोई आइसक्रीम बेच रहा है कोई क्या कर रहा है पीछे एक बक्सा बना करके दे दिया तो कुल मिलाकर हमने ये योजना प्रारंभ की है और काफ़ी सफलता इससे मिल रही है सर आपके एक लेक्चर में आ, सुना था मैंने कि कुछ आ, मिनिस्ट्री ने ऑटोबॉक के साथ भी कुछ जी, आ, जी ये बात सही MOU है कि हमने हमारा जो कानपुर में एलिम को नाम का संस्थान है जो ये उपकरण बनाता है विकलांगजनों के लिए उसमें आधुनिकता लाने के लिए और वास्तव में मानव अंग जैसा काम करता है उससे मिलता जुलता काम करने के लिए उसमें जो वर्तमान में अभी हाथ बनाते हैं पाँव बनाते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए मोबिलिटी आना चाहिए वो जैसा कलम से लिख सकता है पानी का गिलास उठा करके पानी पी सकता है चाय का कप उठा कर चाय पी सकता है ऐसा करने के लिए तो जर्मन की एक ऑटोबाक नामक संस्था है उसके साथ हमने एम ओ यू और आधुनिकतम हाथ पैर और ये जो भी उपकरण है वो सब बनाने का एम किया है और उस संस्था के प्रतिनिधियों ने कानपुर में आकर के ये काम प्रारंभ किया है और मुझे उम्मीद है कि हम अगले एक डेढ़ साल में आधुनिकतम हाथ बना कर के आवश्यकता अनुसार जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है उनको उपलब्ध करा देंगे ठीक उसी प्रकार से पाँव भी उपलब्ध करा देंगे किसी का यहाँ से कटा हुआ किसी का घुटने के यहाँ से तो नाप लेकर के वैसा बनाते हैं ताकि वो पाँच दस फीट ऊपर से नीचे जंप भी कर सकता है दौड़ भी सकता है अभी क्या है वो लकड़ी का बनता है या ठोस पदार्थ का बनता है एस बस डीट का बनता है या उसका और किसी मटेरियल का बनता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती तो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा पाँव को जो होना चाहिए वो नहीं होता है सीधा का सीधा चलता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है तो उसमें ये सब मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी होगी ऊपर से जंप भी कर लेगा दौड़ भी लगा लेगा और पैरालम्प में पैरालंपिक्स में वो पार्टिसिपेट भी कर पाएगा इस प्रकार की सुविधा हम उपलब्ध कराने का निर्णय ले चुके हैं और उम्मीद है अगले साल डेढ़ साल में ये सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से पहली बार एलिम्पको को दो करोड़ रुपये का मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया गया है और ये पाँच साल में जो इसका भी स्वरूप है बिल्कुल हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट करने जा रहे हैं काम शुरू हो गया है और इसी में फिर ऑटोबॉक और मोटिवेशन दो इनके साथ हुआ है अच्छा। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत हो जाएगा तो व्हील चेयर के लिए मोटिवेशन यस मोटिवेशन अर्थात ये जो कृत्रिम अंग निर्माण निगम है हमारा इसका हम विस्तार कर रहे हैं और मोडिफिकेशन भी कर रहे हैं नई नई जो पद्धति है वो लागू करना चाह रहे हैं ताकि वो उपकरण बनाने में सुविधा हो सके काम प्रारंभ हो गया चल रहा है काम बहुत ज़रूरत है बहुत hmm. अच्छी बात है कि yeah, yeah. आगे जाके ये क्वालिटी इम्प्रूव हो yes. जाएगी अगला क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूँगी वो है अनुपम से वो आ, लिखते हैं प्लीज़ इनिशिएट अ प्रोग्राम वेयर वी शेयर इंस्पायरिंग स्टोरीज़ ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सनस कि कोई प्रोग्राम ऐसा शुरू किया जाए hmm. जिसमें इंस्पायरिंग लोगों की बारे डिसेबल लोगों के बारे में बताया जाए ये योजना ऑलरेडी हमारे यहाँ है हम विकलांग जन को प्रशिक्षण देते हैं उसमें भी ये जानकारी देते हैं विकलांग जनों के मनोबल को ऊंचा बढ़ाने के लिए या सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से अगर किसी ने कोई लेख लिखा है कुछ अच्छी बातें बताई है तो वो सब हम बताने का प्रयास करते हैं साहित्य भी उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर संगोष्ठी होती है उसमें भी इस प्रकार की जानकारी देते हैं और अगर इस प्रकार का कोई लेख लिखना चाहता है या कोई सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है तो हम उनको भी सुविधा उपलब्ध करा दें इट्स hmm. एनएचएफडीसी हम लोगों का एक कोऑपरेशन है उसको हमने ये काम दिया था उन्होंने कोलेट किया है इंस्पायरिंग स्टोरीज और जल्दी माननीय मंत्री जी के हाथों से उसको हम लोग पब्लिक डोमेन में भी लाने जा रहे हैं सो इट्स लाइक एक कोई बुक हाँ इट्स निकलेगी इट्स अ कॉफी टेबल बुक ओके विद ऑल द इंस्पायरिंग स्टोरीज बिकॉज़ वी फाइंड सो मेनी इंस्पायरिंग स्टोरीज दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू नेक्स्ट uh, क्वेश्चन uh, है अधिसू से वो पूछते हैं ऑल द फर्म्स एंड एम एन सीज़ शुड चेंज द डिसबिलिटी पॉलिसीज डू यू एग्री विद दैट कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं एम एन सीज़ हैं उनको अपनी डिसेबिलिटी उनको पॉलिसीज अपनी चेंज करनी चाहिए जैसे कि वो मोर डिसेबिलिटी इंक्लूसिव हो आप इससे सहमत हैं निश्चित रूप से इससे संबंधित जो कानून बना हुआ एक्ट बना है उसको सभी क्षेत्रों में हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं और जो जो कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस हुई विचार विमर्श करके अध्ययन करके राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अधिकारियों ने जाकर के भी देखा है और जो जो सुधार करने की गुंजाइश हमको महसूस हुई वो जो हम नया एक्ट बनाने जा रहे हैं जो नया बिल हमने प्रारूप तैयार करके कैबिनेट के सामने भेजा है उनमें वो सारा प्रावधान हम कर रहे हैं और इन प्रावधानों को हम हर क्षेत्र में चाहे वो निजी संस्थाएं हो सरकार की संस्थाएं हैं ऑटोनॉमस बॉडी हो इन सब में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं निश्चित रूप से जब ये एक्ट बन जाएगा तो इसमें कुछ न कुछ पहले की तुलना में काफ़ी सुधार का प्रावधान हमने किया है और वो सुधार हम नीचे तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे सफलता भी मिलेगी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में भी हमने एक एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स बनाया है जो हम कॉर्पोरेट्स और कंपनीज को दे रहे हैं कि वो खुद अपने को रेट करें कि हाउ डिसेबल फ्रेंडली देर और ये हमने फ़िक्की की मदद से बनाया है जिससे कि उनका भी इनपुट इसमें मिल जाए तो इससे उनको भी एक तरह से इंसेंटिवाइज़ हम लोग कर सकते हैं कि आप जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना हम लोग भी मदद आपकी कर सकते हैं तो एक इट इज़म्प टू मेक देम सेंसिटिव To the needs of the disabled. Correct. So, already companies He gone ja index. This actually, we are now in the process of finalizing because uh -huh. we uh, wanted consultation. No? and okay. Or, all the views. Aajai. I think within a month or two, it will be final. The uh, next question, I am Doctor Satyendra Singh. He pushed "69% disabled people live in rural areas. Uh, so, why?" सब डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कैंपेन क्योंकि ज़्यादातर हमारे विकलांग लोग रूरल एरियाज में रहते हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल इस कैंपेन के अंडर क्यों नहीं है वो पूछते हैं हमने इस बात को ध्यान में रख कर के एक बड़ा निर्णय तो ये लिया है कि हम देशव्यापी सर्वे करा रहे हैं और यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनवा रहे हैं कलेक्टर और जिला चिकित्सा अधिकारी और इनके माध्यम से वो सब होगा फिर जो हमारा डीडीआरसी चलता है हर जिला मुख्यालय पर वो संस्थाएं हमारा खोलने का लक्ष्य है और अभी मैं कह सकता हूं कि 70 परसेंट के आसपास जिलों में ये डीडीआरसी की स्थापना है, की हम कर चुके हैं और उसके माध्यम से ये सारी सुविधाएं जिला लेवल पर और उससे नीचे लेवल पर भी देने का प्रयास कर रहे हैं एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी अगर हम एक्सेसिबिलिटी का मुद्दा देखें वो रूरल एरियाज में पहुँचाने के लिए व्हाट आर द प्लान्स अभी जैसा मैंने बताया कि डीडीआरसीए के माध्यम से या फिर हमारी एक ए योजना है हुँ. हमने पिछले वर्ष डेढ़ लाख विकलांगजनों को जो ग्रामीण क्षेत्र में इधर उधर रहते हैं उन सब का सर्वे करा करके उनको उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए हैं इस वर्ष भी अभी तक हम डेढ़ लाख के आसपास बेनिफिशरीज को ये उपकरण उपलब्ध करा चुके हैं और लक्ष्य तय किया है डेढ़ लाख का ही था पर वो डेढ़ लाख का लक्ष्य हम लगभग पूरा करने की स्थिति में है और ये जो कैंप लगाते हैं हम ये जिला मुख्यालय पर या संसदीय क्षेत्र के किसी मुख्यालय पर लगाते हैं हमारे एलिमको के अधिकारी और कलेक्ट्रेट से संबंधित जितने राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो गांव-गांव में जाकर के विकलांग जनों को पहचान करते हैं और किसको किस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है हाथ की आवश्यकता है पैर की आवश्यकता है व्हील चेयर की आवश्यकता है ब्लाइंड है तो डेजी प्लेयर की कंप्यूटर की या साइन लैंग्वेज से संबंधित कुछ या आधुनिक छड़ी देने का इस प्रकार की सारी सुविधाएं आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मिलना चाहिए उनको और उसके बाद लिस्ट तैयार होके उनको ये उपलब्ध कराते हैं हमने अभी तक बयासी तिरासी कैंप ऐसे मेगा कैंप आयोजित किए हैं जिसमें एक हज़ार से अधिक बेनिफिशरीज और एक करोड़ से अधिक की धनराशि के उपकरण उपलब्ध कराने का काम किया है और ये जो डेढ़ लाख का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ ये आंकड़ा उन ग्रामीण क्षेत्रों का भी है ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सर्वे करके और हम ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कुल मिलाकर हमारा प्रयास है कि प्रत्येक गांव में अगर कोई विकलांग रहता है तो भारत सरकार की योजनाओं से वो वंचित नहीं रहे उसको उस योजना का लाभ मिले इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं और हमारा अधिकारी गाँव गाँव भी जा रहे हैं uh... अगला क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी जे राव का है उन्होंने लिखा है इज द एनी प्लान टू एंगेज लोकल बॉडीज ऑफ सिटीज विद कैंपेन मतलब लोकल बॉडीज को कैंपेन के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई प्लान्स हैं ये ये योजना राज्य सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों में भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या समाज कल्याण मंत्रालय नाम से होता है और उनके अधिकारी जिला लेवल पर भी होते हैं ब्लॉक लेवल पर भी होते हैं और पंचायत लेवल पर भी काम करते हैं हम जो जो योजनाएं हमारी है उनको राज्य सरकार के माध्यम से लोकल बॉडीज के माध्यम से और ऑटोनॉमस बॉडी और एन के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं इसको और सुदृढ़ता प्रदान करेंगे राज्य सरकार के सहयोग के साथ हमने पिछले वर्ष राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ और सेक्रेटरीज़ के साथ तीन बार मीटिंग की है और इन सब योजनाओं की जानकारी उनको दी है और गांव तक ये योजना आवश्यक मन लोगों को लाभान्वित करे इस प्रकार का प्रयास करने के लिए वातावरण बनाने का प्रयास किया है और उसी का परिणाम है कि हम लगभग डेढ़ लाख लोगों को ये उपकरण देने में सफल हुए हैं और अभी भी ये योजना जारी mm -hmm. है सो लोकल बॉडीज ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्वड हैं सो अगला क्वेश्चन है, uh, so, है रेशमा से शी इज आस्क्ड शी इज सेंसिटाइज द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टुवर्ड्स डिसेबल पीपल व्हिच विल मेक देयर लाइफ इजी एंड आल्सो इंप्रूव गवर्नमेंट इमेज इस तहत मैं कहना चाहूंगा कि एक हमारी नई स्कीम चली है जिसमें हम लोग ना केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बल्कि जो पंचायत तक भी जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके भी एम्प्लॉज़ को सेंसिटाइज़ कर रहे हैं ट्रेनिंग कर रह, करवा रहे हैं ऑन एन ऑन पैन इंडिया स्केल और इसके लिए हमने आर जो हमारी रिहेबलीटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है भारतीय पुनर्वास परिषद उसको ये काम दिया है और दो करोड़ से इस साल शुरू किया है इसका ऑलरेडी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों को समझ में आ रहा है सेंसिटाइज़ हो रहे हैं और आगे इसको हम लोग स्केल अप करके कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेंसिटाइज़ करने ये थे तो वहाँ एस भी थे लोकल बॉडीज के एम्प्लॉय भी थे उनके सामने ये शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका रहा योजना पंचायत लेवल तक है पर इम्प्लीमेंट की स्थिति में और सुधार की आवश्यकता है वो प्रयास हम कर रहे हैं uh, next question is from PV. <coughs> वो लिखते हैं, फॉर पीपल विद मेंटलशिप गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग के लिए नेशनल ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1999 में और अभी उनकी जो स्कीम्स थी उनको हम लोग ने रेडिकली ओवरहॉल कर दिया है मैं पी जी से कहूँगा कि वो हमारी वेबसाइट पर जाएँ उसमें हमारी दस जो स्कीम्स हैं उनके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है इसके अलावा जो नया बिल आ रहा है उसमें आ, हम लोग गार्डियनशिप को लेके बहुत डिटेल में प्लिनरी गार्जियनशिप टोटल गार्डियनशिप इज एंड गार्डियनशिप इच इज़ लेस कंप्लीट वो दोनों तरह की गार्डियनशिप डिफ़ाइन कर रहे हैं

विकास की दृष्टि से सुविधाएं हैं शिक्षा hmm. के लिए स्वास्थ्य के लिए घरोंदा योजना घर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध दस योजनाएं हैं वो ah. वो भी नई लॉन्च की अभी अच्छा अभी, अभी अभी की है। मुश्किल से नवंबर से हाँ. तो नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे हाँ, ये सारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर आशीष टिकू He has written, is there any plan to make compulsory designated parking spaces especially in shopping malls, etc. accessible parking spaces for persons with disabilities. I disability? think that is a very good suggestion. Uh, the point is that we cannot uh, do it on a central scale. We do we do So, we will write to state governments to consider this. And we go to डेजिग्नेटेड स्पेसिस भी होती हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा फाइन भी जैसे 500 डॉलर का फाइन हमने देखा यूएस में इस तरह के जब डेटरेंट होगा पेनल्टी होगी तभी लोग उसको रिस्पेक्ट भी करेंगे तो इस इस बारे में हम लोग मेरे ख्याल से इसमें लोकल बॉडीज का काफ़ी लोकल बॉडीज का भी हो, हो जैसे शॉपिंग मॉल्स तो प्राइवेट हैं कई सारे तो स्टेट गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा हमें वो करेंगे हम लोग सो Uh, हमारे पास ट्वीट बहुत सारे आ रहे हैं बट आई टेक है लेबर मार्केट वेप्स आर बिंग टेकन फॉर डीसेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफनिटीज वैसे भारत सरकार ने और राज्य की सरकारों ने विकलांगजनों को नौकरी में भारत सरकार ने तो तीन प्रतिशत आरक्षण दे रखा है राज्य सरकारों ने भी प्राय प्रत्येक राज्य सरकार ने तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने छः प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है अर्थात तीन प्रतिशत भारत सरकार के मंत्रालयों में और राज्य सरकार के मंत्रालयों में भी तीन प्रतिशत इस प्रकार की सुविधा तो दी गई है परंतु हमने जो नया बिल बनाया है उसमें इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर के कुछ ऐसा प्रावधान करने का प्रयास किया है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम धंधे में प्रोत्साहन मिले फिर हम इन वर्गों के लोगों को प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण देने के अभी जैसे हमने पिछले साल ही लगभग 45 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है प्रशिक्षण के बाद वित्त विकास निगम है विकलांग वित्त विकास निगम उनसे आर्थिक सहायता भी देते हैं और प्रयास हमारा रहता है कि वो कारोबार करें और ख़ुद नौकरी की तलाश में घूमने की बजाय अपने यहाँ कुछ लोगों को नौकरी पर रखें फिर भी राज्य सरकार के साथ और भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ हम बातचीत करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पेशा में या कारोबार में स्वावलंबी बनाने की कार्ययोजनाएँ हो सकती है उसका लाभ उनको दिलाने के लिए प्रयास कर प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि इसमें निरंतर प्रगति करते रहेंगे सो uh, so, हमारे पास ट्वीट्स बहुत सारे आ रहे हैं पर समय की uh, कमी होने के कारण हम और क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे इस, इस बारी पर टू थैंक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर एक्चुअली having this uh, talkathon and uh, thank you for connecting with us thank Thanks. you sir for coming and answering